इस वीडियो में आप समझेंगे इंची टेप के विषय में। जैसे जो लोग बिगिनर है जिनको बिल्कुल पता नहीं है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे कमेंट में आया था कि मैम एक इंच क्या होता है या सवा इंच क्या होता है या डेढ़ इंच क्या होता है, पौना इंच क्या होता है, पौने दो इंच क्या होता है, वो मैं इसमें सारा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और जैसे बहुत लोग ये भी पता नहीं है कितना हम कपड़ा लेंगे तो कितना हमें हमारा ब्लाउज बन जाएगा और कितना में फुल बाजू का ब्लाउज बनेगा, वो मैं इसमें सारा डिटेल में बताऊंगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाली जो इंची टेप है ये पूरा जो है पूरा लंबाई इसका ये पूरा 1.5 मीटर होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 1 इंच क्या होता है, ठीक है। पहले मैं 1 इंच से स्टार्ट करती हूँ। तो 1 इंच आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जहाँ हमारा 1 लिखा हुआ है यहाँ तक 1 इंच होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बताते हैं आपको आधा इंच का। तो आधा इंच जो आप यहाँ बड़ा वाला लाइन देख रहे हैं ये वाली 1 इंच और 2 इंच के बीच में, और ये सबसे जो बड़ा है इसे हम आधा इंच कहते हैं, ठीक है। और यहाँ भी आपको दिखता होगा आधा इंच हम इसे ही कहते हैं। यहाँ से हम नाप के लेते हैं आधा इंच, ये बड़ा लाइन, ठीक है। ये जो बड़ा लाइन दिख रहा है ये आधा इंच है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आधा इंच, और ये जो पूरा है इसे हम 1 इंच कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको दिखता होगा 1 इंच के बाद यहाँ 2 इंच है, तो ये 2 इंच हो गया। उसके बाद ये 3 इंच है, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 इंच है, और ये 5, उसके बाद 7, 8, 9, 10, मतलब इसमें पूरा इसी तरह लास्ट तक अब मैं आपको दिखा रही हूँ, लास्ट तक इसमें है 56 इंच, 57 इंच तक है, ठीक है। आप देख सकते हैं 1-2 इंच मतलब मैं बताई तो ये लास्ट 57 इंच तक है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1/4 इंच क्या होता है, 1/2 इंच क्या होता है, 1/4 इंच क्या होता है, ठीक है। ये सब के विषय में मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे 1 इंच के यहाँ 1 पॉइंट छोड़कर ये दूसरा लाइन जो बड़ा है ये आपको दिखता ही होगा, ये वाली लाइन को हम कहते हैं 1/4 इंच, ठीक है। 1 इंच आने से पहले उसे हम 1/4 इंच बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा लाइन आपको दिख रहा है इसे ही हम 1/4 इंच कहते हैं। और उसके बाद आप 1 इंच के बाद का ध्यान दीजिए, जैसे कि ये वाली जो है ये छोटा सा लाइन, उसके बाद ये जो थोड़ा बड़ा वाला लाइन है इसे हम 1/4 इंच कहते हैं, ठीक है। 1 इंच के बाद में ये 1/4 इंच कहते हैं। और उसके बाद आप ध्यान दीजिए 1/2 इंच का। तो 1/2 इंच हम कहते हैं जैसे 2 इंच से 1 पॉइंट ये छोड़ करके ये जो थोड़ा बड़ा वाला पॉइंट है 2 इंच के लगा यहाँ सेंटर में आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं 1/2 इंच। मतलब 2 इंच से आने से पहले ये हो गया 1/2 इंच, ठीक है। और 1/4 इंच हम कहते हैं जैसे ये वाली पॉइंट छोड़ करके, और जो ये वाली बड़ा पॉइंट है आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, तो इसे हम कहते हैं 1/4 इंच, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा लाइन है ये वाली पॉइंट छोड़ के ये जो बड़ा लाइन है बीच में 3 और 2 के बीच में है, इसे हम कहते हैं 2.5 इंच, ठीक है। ये 2.5 इंच हो गया। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जैसे ये हो गया 1/2 इंच, आप देख सकते हैं ये 1/2 इंच हो गया। उसके बाद ये वाली पॉइंट छोड़ करके ये जो थोड़ा सा लंबा है 1 इंच के सेंटर में आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ, इसी के सेंटर में जो है उसको हम कहते हैं 1/4 इंच, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया 1 इंच, और यहाँ आप देख सकते हैं इसके बगल में ये जो पॉइंट छोड़ के ये जो बड़ा वाला पॉइंट है इसे हम कहते हैं 1/4 इंच, ठीक है। और ये हो गया 1.5 इंच, जो 2 इंच और 1 इंच के गैप में है ये हो गया 1.5 इंच। और ये जो 2 के सेंटर में ये दिख रहा है आपको बड़ा लाइन, जैसे 2 इंच से 1 पॉइंट छोड़ करके ये जो 2 इंच के सेंटर में है, 2 के सेंटर में है, इसे हम कहते हैं 1/2 इंच, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया जैसे 1 पॉइंट छोड़ करके ये वाली जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं 1/2 इंच, ठीक है। और मैं जैसे ब्लाउज में बताती हूँ कि गला आप 2 इंच 1 पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, तो 1 पॉइंट यही हुआ, जैसे 2 इंच ये हो गया और 1 पॉइंट ये वाला हुआ। और जब हम कहते हैं कि 2.5 इंच, तो 2.5 इंच ये हुआ जो 3 और 2 के बीच में है, ये 2.5 इंच हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 1/3 इंच, ये हो गया 3.5 इंच, और ये हो गया 1/4 इंच, और ये हो गया 4 इंच, ठीक है। फिर मैं यहाँ आपको बताती हूँ, जैसे ये जो 4 इंच 1 पॉइंट ये वाली छोड़ गई, ये वाली जो पॉइंट है हल्का सा बड़ा, तो इसे हम कहेंगे 1/4 इंच, ये 4.5 इंच, ये 1/4 इंच, और ये 5 इंच। तो इसी तरह से पूरे में आपको समझ लेना है, ठीक है। अब पूरे इसी तरह से है, जैसे 7.5 इंच, 8 इंच, 1/4 आने से पहले जैसे ये वाली बड़ा लाइन है 8 इंच आने से पहले, तो ये 1/4 इंच, तो इसी तरह से आपको लेना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको सेंटीमीटर। जैसे हम ब्लाउज लेने जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता कितना सेंटीमीटर का हम लेंगे और हम क्या बोलें, जैसे जो लोग बिगिनर उनको बिल्कुल पता नहीं कैसे बोलें क्या बोल के लें,
तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो सेंटीमीटर में आपको बताती हूँ, जैसे इधर से है सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस जगह से, इस टाइप से एक एक यहाँ ढक गया है, यहाँ से एक एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये सेंटीमीटर जा रहा है हमारा, ठीक है। तो ये से 13, 14, 15, 16 इस तरह आप पूरा देखेंगे, पूरा मैं इधर आऊंगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पे, तो ये हो गया जहाँ 80 है वो हो गया 80 सेंटीमीटर, इसे हम कहते हैं 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और जैसे अधिकतर हम ब्लाउज जब लेते हैं 30 इंच का, 32 या 34 इंच का, तो ये हम 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा लेते हैं, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर कपड़ा में हो जाता है। और जैसे अगर आप लंबा बाजू ब्लाउज कटिंग करेंगे तो लंबा बाजू में आपको 1 मीटर लेना पड़ेगा। अगर छोटा साइज का ब्लाउज है जैसे 30 इंच का या 32 इंच का ब्लाउज है तो आपको 80 सेंटीमीटर में हो जाएगा। और अगर जैसे 34, 36, 38, 40 हो गया तो आपको 1 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ 1 मीटर क्या होता है। तो 1 मीटर जैसे यहाँ आप 80 देखें, उसी तरह से यहाँ आप इसी तरह इसी के सेंटर में आपको आना है, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, तो इसे हम कहते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 मीटर। अब मैं आपको बताती हूँ 1.5 मीटर का, तो इसी के लगातार में आपको आना है, जैसे आप देख सकते हैं 101, 102, 103, और यहाँ आप लास्ट देख सकते हैं 151 सेंटीमीटर है, तो ये जो 150 है ये हो गया हमारा 1.5 मीटर, ठीक है। इसे हम 1.5 मीटर कहते हैं, 150 सेंटीमीटर को हम 1.5 मीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा 1.5 मीटर हो गया। तो मैं आपको इतना डिटेल में आपको समझाई, और अगर आपको कुछ कंफ्यूज लगे तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जैसे कि इधर से मैं ली 1 इंच करके, यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइड से 1 इंच 2 इंच इधर से आपको लेना है, और जो भी आधा इंच पौना इंच सवा इंच सवा 2 इंच इधर से आपको लेना है, ठीक है। और जो सेंटीमीटर होता है वो हमारा इधर से होता है, इस साइड से, यहाँ से आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह है, तो ये हमारा सेंटीमीटर है, और ये हमारा इंच के में है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, ठीक है। तो कभी भी हमें नाप लगाना है इधर से ही, जैसे हम आर्मोल का नाप ले रहे हैं या तो प्लाजो का नाप ले रहे हैं या तो सूट का नाप ले रहे हैं, तो हमें नाप इधर से ही लगाना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 30 इंच 40 इंच या 35 इंच 36 इंच, तो हम इधर से ही नाप लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपको अगर प्लाजो बनाना है तो कितना कपड़ा लेंगे, या आप सूट बनाना है तो आप कितना कपड़ा लेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपको जैसे सूट बनाना है तो आप 2 मीटर ले लीजिएगा, तो 2 मीटर में आपका फुल बाजू का सूट आराम से बन जाएगा, सिर्फ सूट बनेगा, ठीक है। और जैसे अगर आपको पटियाला बनाना है तो पटियाला अगर आप अच्छा पटियाला जैसे आप चाहेंगे तो 2.5 मीटर में आपका फुल पटियाला बन जाएगा। और अगर आपको जैसे थोड़ा पटियाला चाहिए, चुन्नट थोड़ा चाहिए, तो आप 2 मीटर ले लीजिएगा तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग सूट बनाना चाह रहे हैं, जैसे लॉन्ग जो ड्रेस होता है, तो उसमें आपको 3, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा। और अगर आप जैसे ब्लाउज के विषय में बताती हूँ, जैसे अगर आपको कम हेल्थ वाला ब्लाउज बनाना है 30-32 वाला, तो आप 80 सेंटीमीटर लेंगे तो उसमें हो जाएगा, जैसे कि फुल बाजू भी हो जाएगा और हाफ बाजू भी हो जाएगा। और अगर जैसे आप हेवी साइज वाला ब्लाउज बनाना चाहते हैं जैसे 36, 34, 38, 40 तक, तो आपको 1 मीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 मीटर आप ले लीजिएगा। और अगर आपको उससे भी हेवी बनाना है जैसे 42 इंच 44 इंच, तो आप 1.25 मीटर लीजिएगा। 1.25 मीटर में आपको बता देती हूँ, इसमें 1.25 मीटर जैसे हो गया 125 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे 100 जहाँ हुआ, अब मैं आपको इसमें बता ही देती हूँ, जैसे ये हो गया हमारा 1 मीटर, जहाँ 100 सेंटीमीटर लिखा है वहाँ वो हो गया 1 मीटर, और यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ तक 25 लिखा होगा इस जगह तक, तो ये हो गया हमारा 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 25 जहाँ लिखा हुआ 125, ये हो गया 1.25 सेंटीमीटर। तो इतना आप ले लीजिएगा हेवी ब्लाउज का, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अभी चुनट वाला जो बाजू चला हुआ है, तो चुनट वाला बाजू आप जैसे बनाना चाहेंगे तो आपको उसमें अलग से 0.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फुल चुनट उसमें डालना चाहते हैं तो अलग से आपको 0.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। और जो जो कपड़ा जो जर्जट की होती है वो वाला आप ले लीजिएगा, या तो थोड़ा नेट में आता है वो वाला आप ले लीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको जैसे पेटीकोट बनाना है तो आप उसमें ले लीजिए 2 मीटर, 2.25 मीटर और 2.5 मीटर तक लेंगे तो और अच्छा थोड़ा घुमा के बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है और आप वीडियो नहीं देख पाते हैं। और बेल आइकन भी आप ऑन कर देंगे तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा और वीडियो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।